सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ, और मैं हूँ अनिमा। तो आज मैं हूँ कानपुर सेंट्रल पे, और क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कानपुर सेंट्रल के अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ, मतलब कानपुर स्टेशन कैसा दिखता है। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, अभी मैं इसको रिवील नहीं करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कानपुर का सेंट्रल दिखाती हूँ। और लिटरली मैं बहुत थक गई हूँ आज, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम किया है और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया ना, तो इसलिए मैंने ना जैकेट डाल रखी है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कानपुर सेंट्रल, मतलब कानपुर स्टेशन का ओवरव्यू। अभी कानपुर, अभी मतलब कानपुर क्या, अभी मतलब किसी भी स्टेशन पे ना आपको विदाउट टिकट एंट्री नहीं है, जब तक आपके पास कोई टिकट नहीं है कहीं जाने वाने के लिए। तो इसलिए ना अभी रश भी थोड़ा कम है, और ट्रेन के सारे जनरल कोचेस हटा दिए हैं, मतलब जैसे मैंने ट्रेनों का हाल देखा अभी यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें खड़ी हुई हैं, तो ट्रेन के सारे जनरल कोचेस हटा दिए हैं। और मैं यहाँ से आप लोगों को देती हूँ कानपुर सेंट्रल का थोड़ा सा व्यू। तो अभी मैं जा रही हूँ कानपुर सेंट्रल, मतलब मेरे मुंह से कानपुर सेंट्रल ही निकलता है। तो अभी मैं हूँ कानपुर स्टेशन जो है ना उसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और मेरी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, मतलब इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। तो ये है कानपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो ये है कानपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये रहा वेटिंग रूम का नज़ारा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम का नज़ारा, जो कि एकदम खाली पड़ा है। अदरवाइज़ सच में इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे कि सांस लेने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन ये कोरोना काल के चलते ना एकदम शांति है यहाँ पे। तो ये है कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का नज़ारा, और अभी मैं हूँ फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वाओ, लाइटें जल गई हैं, लाइटों के बाद मैं आपको व्यू देती हूँ। एंड यार, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, सोचती हूँ बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिले आप लोगों को, मतलब जिस कंटेंट से आप बोर ना हो और इन्जॉय करें, थोड़ी सी नॉलेज मिले,
तो अगर मैं इतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो आप लोगों का सिर्फ एक ही सहयोग चाहिए। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और अगर पहली बार वीडियो पे आए हो ना तो प्लीज़ उसको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अच्छा क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। और अभी ना बहुत और अभी ना मतलब ट्रेन्स वगैरह नहीं लगा रखी हैं, अदरवाइज़ कानपुर स्टेशन पे ना मतलब ट्रेन्स या फिर पैसेंजर्स की बहुत भीड़ रहती थी। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब 4 और 5, इस साइड वाला है 4 और इस साइड वाला है 5 नंबर प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरी ट्रेन ना इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, इसलिए तो मैं हूँ अभी 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मैं देती हूँ आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू, शायद कोई ट्रेन आने वाली है इसलिए पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा खड़े हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है कुछ कानपुर सेंट्रल के हाल फिलहाल का ओवरव्यू, एकदम सन्नाटा पड़ा है, मतलब ट्रेन्स वगैरह नहीं खड़ी हुई हैं, अदरवाइज ट्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा खड़ी रहती थी, आती जाती रहती थी, लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा हर चीज़ हल्की है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो फेस्टिवल टाइम में ऑब्वियसली थिंग है लोग अभी घर जाते हैं, बट या कोई भी जनरल कोचेस नहीं है और कोई भी जनरल टिकट वगैरह नहीं अभी अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिजर्वेशन ही कराना पड़ेगा, और रिजर्वेशन करके ही आप मतलब जा सकते हैं ट्रेन के थ्रू, रिजर्वेशन करके ही जा सकते हैं आप। तो बस ये है अभी फेस्टिवल के टाइम की ताज़ा जानकारी कानपुर स्टेशन के फ़िलहाल में, और कानपुर स्टेशन कोई छोटा स्टेशन नहीं है, बहुत ही बड़ा स्टेशन है, तो फिलहाल इतने बड़े स्टेशन का जब ये हाल है तो छोटे स्टेशन या और स्टेशन की मतलब और स्टेशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बस ये है जानकारी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो यार रेड वाला बटन दबा ही लेना, बस दबा ही लेना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी रिवील नहीं करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट या मैं कहीं जा रही हूँ वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी भी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी दूँगी। तो चलिए अब शाम होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट लाइटें वाइटें जल चुकी हैं, और मेरी ट्रेन आने वाली है कुछ 15 से 20 मिनट में, मेरी ट्रेन भी आने वाली है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सर्दियां हो गई, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ। That's how I feel, I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance, we'll be so fine. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, always we'll meet again. It's time to care, we should just share love one day. My alone and bored, that's how you feel, you wait so far away.
you should give us a chance, we'll feel alive. I hope one day, somehow, our ways will meet again. Cause I've been wondering why we still be as we were friends. I hope someday.